हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 22। सो देखते हैं इस पजल में क्या गिवन है। और अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस फेसबुक पेज पर। आप सर्च करिएगा तरुण 046। मैं यहाँ पर डेली PDFs और वीडियो के लिंक प्रोवाइड कराऊँगा। ओके सो अगर आप SSC बैंकिंग UPSC या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिया की बेस्ट फैकल्टी ने प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। और आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं SSC CGL और CHSL के लिए। ओके सो इस पजल में गिविन क्या है देखिए। उसने बताया है 8 बुक हैं, उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, आर केप्ट वन ओवर दी अदर, वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ओके टू बुक्स बिलोंग टू क्लास 9th to 12th ईच, और इनमें से हर दो बुक्स इन क्लासेस में से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। ठीक है, द कलर ऑफ द कवर ऑफ द बुक्स आर ये, और हर एक बुक का जो कवर है वो अलग अलग कलर से है। ठीक है, जो कि कलर यहाँ पर दिया हुआ है। समझ में आया 8 क्या है आपके पास बुक्स हैं, जिनमें से हर दो बुक्स 9th, 10th, 11th, 12th क्लास से बिलोंग करती हैं, और हर एक बुक का कवर अलग अलग कलर से है। क्लियर है ये चीज ना? अच्छा, उसके बाद इन्होंने कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम कंडीशंस को प्रॉपरली लिखते हैं और उसके बाद इस पजल को सॉल्व करते हैं। ओके सो सबसे पहली कंडीशन इसने क्या दी है देखिए। उसने बताया द टू बुक्स इन द मिडल बिलोंग्स टू क्लास 12th। ओके उसने बताया जो दो बुक हैं मिडिल में वो किस क्लास से बिलोंग करती हैं, वो क्लास 12 से बिलोंग करती हैं। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग करना चाहूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 बुक है ना आपके पास। अब उसने क्या कहा है कि मिडिल की दो कौन सी होंगी, ये दो बुक्स होंगी, तो ये किस क्लास से बिलोंग करती हैं, ये 12th क्लास से बिलोंग करती हैं। किस क्लास से बिलोंग करती हैं, ये 12th क्लास से बिलोंग करती हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद द बुक विथ ब्लैक कलर इज 3 प्लेसेस बिलो द वन विथ ग्रीन कलर। ओके उसने ये बोला कि वो बुक जिसका कवर ब्लैक है वो 3 प्लेस बिलो है किससे, जिस बुक का कवर ग्रीन है। ओके सो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, जिस बुक का कलर ग्रीन है ओके उससे 3 बुक्स नीचे कौन सी बुक है हमारी, ब्लैक कवर वाली। ठीक है, उसने क्या बोला है 3 प्लेसेस बिलो, उसने ये नहीं बोला इनके बीच में 3 बुक्स हैं, तो इनके बीच में कितनी बुक्स होंगी आपकी, 2 बुक्स होंगी। कितनी बुक्स होंगी, 2 बुक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बुक्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अच्छा उसने क्या बोला कि ज्योग्राफी और इको इन दोनों की बुक्स क्या हैं, वो एडजेसेंट हैं, या तो ये हो सकता है या फिर ईको ऊपर हो सकती है और जियो नीचे हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना? अच्छा उसके बाद नीदर ऑफ इट आर ऑन टॉप नॉर ऑन बॉटम। ओके इनमें से कोई भी आपकी ना ही टॉप पर है और ना ही बॉटम पे है। क्लियर है? अच्छा उसके बाद द बुक विद रेड कलर इज जस्ट अबव दी अकाउंट्स बुक। उसने क्या बोला कि वो बुक जिसका कवर क्या है रेड कलर का है वो जस्ट अबव है किससे, अकाउंट्स की बुक के। जस्ट अबव किसके हैं, अकाउंट्स की बुक से। ठीक है, अच्छा उसके बाद वन ऑफ द क्लास 10th बुक इज ब्राउन ओके इन कलर विच इज नॉट केप्ट ऑन टॉप। ओके तो इसने ये बोला कि एक बुक क्लास टेंथ की क्या एक बुक ब्राउन कलर से है लेकिन टॉप पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद कवर ऑफ केमिस्ट्री इज ऑफ पर्पल कलर। ओके उसने ये बोला कि केमिस्ट्री की बुक का कलर क्या है, वो पर्पल है। ठीक है, एंड इट इज़ थर्ड पोजिशन फ्रॉम द टॉप, और वो क्या है, उसकी पोजिशन क्या है,
थर्ड पोजीशन है कहाँ से, टॉप से, टॉप से थर्ड पोजीशन, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना वन टू और थ्री, तो इसका मतलब पर्पल कहाँ होगा, पर्पल होगी यहाँ, ओके। और ये किसकी होगी, ये बिलोंग करेगी किस सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री से, ठीक है, समझ में आया ना, ओके। उसके बाद द टू क्लास इलेवन बुक्स आर फिजिक्स एंड मैथ्स, उसने क्या बोला, क्लास इलेवेंथ की दो बुक्स कौन कौन सी है, एक फिजिक्स की है और एक किसकी है, और एक मैथ्स की है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक बुक्स इज कैप्ट थ्री प्लेस फ्रॉम द बॉटम, अब उसने क्या बोला कि जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो तीन प्लेस कहाँ से है, फ्रॉम द बॉटम है, तीन प्लेस फ्रॉम द बॉटम मीन्स एक दो और तीन, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास इको की बुक हो जाएगी, किसकी बुक हो जाएगी, इको की बुक हो जाएगी, ओके। और एंड बिलोंग्स टू क्लास नाइन्थ, और वो किस क्लास से बिलोंग करती है, वो नाइन्थ क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद द फिजिक्स बुक विच इज़ नॉट ग्रे, उसने बता दिया है कि फिजिक्स की बुक जो कि ग्रे नहीं है, ओके, इस कैप्ट जस्ट बिलो द अकाउंट्स बुक, और ये किसकी ब्लो है, ये ब्लो है एकदम अकाउंट्स के, मीन्स इसको अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो इसके ऊपर जस्ट कौन सी है, अकाउंट्स की बुक है, ठीक है, और ये क्या है, ये फिक्स है, क्लियर है। अच्छा उसके बाद वन ऑफ द इलेवेंथ क्लास बुक इज कैप्ट बिटवीन क्लास नाइन्थ एंड टेंथ बुक, उसने क्या बोला कि एक क्लास इलेवेंथ की बुक किसके बीच में है, नाइन्थ और टेंथ के बीच में है, या तो ये हो सकता है या फिर इलेवन टेन ऊपर हो सकता है और नाइन्थ नीचे हो सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद द कवर ऑफ हिस्ट्री एंड बायोलॉजी बुक इज नॉट ग्रे, उसने क्या बोला कि हिस्ट्री, अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, हिस्ट्री और बायो की बुक क्या है, वो ग्रे नहीं है, वो क्या है, वो ग्रे नहीं है, ठीक। उसके बाद देयर आर थ्री बुक्स बिटवीन द रेड एंड द ऑरेंज कलर्ड बुक, अब उसने क्या बोला कि तीन बुक्स हैं किसके बीच में, रेड और ऑरेंज कलर की बुक के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, रेड और ऑरेंज कलर की बुक के बीच में। उसके बाद द बुक विथ ग्रीन कलर डज नॉट बिलोंग टू क्लास टेंथ, ओके, अब उसने क्या बोला कि ग्रीन कलर वाली बुक टेंथ से बिलोंग नहीं करती है, और एंड इज नॉट बायोलॉजी, और ना ही वो क्या है, बायोलॉजी है, और ना ही ये बायो है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया ना, ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आई। अब क्या करते हैं, हम एक एक करके इन कंडीशंस को इसमें पुट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक चीज़ पर ध्यान दें, मीन्स ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस को अगर हम मिला दें तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, देखिए क्या कि आपकी इलेवेंथ फिजिक्स की बुक होगी ये, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर होगी अकाउंट्स, और उसके जस्ट ऊपर कौन होगी, रेड, तो मतलब क्या है, ये सब एक साथ आएंगे, ये चीज़ तो हमारा कन्फर्म है, ये क्या है, ये हमारी कन्फर्म है। अब देखते हैं ये कहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम ऊपर बात करें, यहाँ पर क्या इलेवेंथ आ सकती है आपकी, इलेवेंथ और फिजिक्स, यहाँ पर इलेवेंथ फिजिक्स नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री है, यहाँ पर नहीं आ सकती, यहाँ पर नहीं आ सकती, इसके ऊपर आ सकती है क्या, मीन्स सेवेंथ पर आ सकती है क्या ये, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर अकाउंट्स है और उसके ऊपर हमारा क्या है, रेड है, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ सकती है क्या, हाँ, इस पे आने के उसके क्या है, नहीं सॉरी, इसमें भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर इको की बुक है ना, यहाँ भी नहीं आ सकती। अच्छा उसके बाद देखें यहाँ पर आ सकती है क्या, यहाँ पर अगर हम इलेवेंथ नाइन्थ की बुक रखेंगे तो इसके ऊपर अकाउंट्स की बुक नहीं आ पाएगी, है ना, तो इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है क्या, कि फिजिक्स इलेवेंथ की बुक यहीं पर होगी और कहीं नहीं हो सकती, फिजिक्स इलेवेंथ की बुक सिर्फ यहीं पर होगी, मीन्स इलेवेंथ फिजिक्स, ठीक है, वो यहीं पर होगी, इसके ऊपर कौन होगी, अकाउंट्स की बुक होगी, और इसके ऊपर कौन सी होगी, जिसका कलर क्या है, रेड है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आए ना।
अच्छा अब इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए उसने क्या बोला था, रेड और ऑरेंज के बीच में क्या है, तीन बुक्स हैं, इसका मतलब एक दो तीन, तो यहाँ कौन सी बुक होगी, यहाँ बुक होगी हमारी ऑरेंज, ठीक है। अच्छा इसके बाद उसने एक चीज़ और बोली है, ये देखिए ईको और ज्योग्राफी की बुक क्या है, वो एक दूसरे के एडजेसेंट ही, ईको की बुक यहाँ है, इसका मतलब ज्योग्राफी की बुक कहाँ होगी, वो होगी यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है ना, यही हो सकती है। अच्छा इसके बाद अगर हम देखें तो उसने हमसे यहाँ पर एक चीज़ बोली है, देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि नाइन्थ इलेवेंथ और टेंथ ये क्या है, ये तीनों साथ में है, टेंथ ऊपर हो सकती है, नाइन्थ नीचे हो सकती है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है क्या कि इलेवेंथ आपका कहाँ होगा, वो बीच में होगा नाइन्थ और टेंथ के, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ बताइए, ये तीनों या फिर ये तीनों एक साथ में कहाँ आ सकते हैं, अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये तीनों एक साथ में कहाँ आ सकते हैं, यहाँ नीचे कहीं तो आ नहीं सकते हैं, ठीक है, इनके आने के चांसेस यहीं पर हैं, है ना, इनके आने के चांसेस कहाँ हैं, यहीं पर हैं, मीन्स इलेवेंथ यहाँ आएगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है। अब नाइन्थ यहाँ या फिर टेंथ यहाँ, नाइन्थ यहाँ या फिर टेंथ यहाँ, ये अभी हमें कन्फर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है क्या कि इलेवेंथ आपका यहाँ है। अच्छा अब उसने एक और चीज़ बोली थी, ये कि एक बुक इलेवेंथ की फिजिक्स की है और एक बुक इलेवेंथ की किसकी है, मैथ्स की है, तो फिजिक्स की बुक तो यहाँ पर आ गई, मैथ्स की बुक कहाँ पर होगी इलेवेंथ की, ये वाली होगी मैथ्स की, ठीक है ना, ये होगी किसकी, मैथ्स की बुक होगी। अच्छा अब इसके बाद अगर हम देखें तो क्या रह गया हमारा, अब अगर हम इसको चेक करें, देखिए उसने क्या बोला था, टेंथ की बुक क्या है, एक ब्राउन है लेकिन वो टॉप पर नहीं है, मीन्स हमें टेंथ और ब्राउन को क्या लेके आना पड़ेगा, साथ में लेके आना पड़ेगा और टॉप पर नहीं, तो हमारे पास ऐसे प्लेसेस जो दोनों जगह खाली हैं वो क्या है, वो हमारे पास यही बचा है, टेंथ यहाँ और ब्राउन यहाँ, इसके अलावा ये दोनों कहीं पर नहीं आ सकते, देखिए यहाँ पर नहीं आ सकते थे, यहाँ पर आ नहीं सकते थे क्योंकि वो टॉप पर हो जाता और कहीं प्लेस थी नहीं इसकी, क्लियर है ना, ये चीज़ समझ में आई आपको। अच्छा ओके अब अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी दो बुक्स बची हैं, हमारे पास एक बची है हिस्ट्री और एक बची है बायो, कौन सी बुक बची है, एक बची है हिस्ट्री और एक बची है बायो, और जगह कौन कौन सी बची है, एक ये जगह बची है और एक ये जगह बची है, किसके लिए, बुक्स के लिए, है ना, तो इन दोनों में क्या होगा, या तो हिस्ट्री होगी या फिर बायो होगी, ठीक। लेकिन उसने हमसे एक चीज़ बोला है क्या कि हिस्ट्री और बायो दोनों ही ग्रे नहीं है, हिस्ट्री और बायो क्या है, दोनों ही ग्रे नहीं है, इसका मतलब ग्रे आपका यहाँ नहीं आ सकता, ग्रे आपका यहाँ नहीं आ सकता, ग्रे या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ नीचे होगा, यही दो प्लेसेस है आपके लिए, है ना। लेकिन उसने एक और चीज़ बोली क्या कि फिजिक्स की बुक ग्रे नहीं हो सकती, फिजिक्स की बुक ग्रे नहीं हो सकती, इसका मतलब ग्रे कौन सी बुक होगी, यही बुक होगी, है ना, यही बुक ग्रे होगी ना। अच्छा अब देखिए उसने एक और चीज़ बोली थी क्या, ग्रीन बुक और ब्लैक बुक के बीच में दो बुक्स हैं, है ना, ये चीज़ उसने बोली थी, और ग्रीन बुक क्या है, वो अबव है, तो वो कहाँ आ सकती है बताइए, अब सिर्फ यही आ सकती है ना कि ग्रीन यहाँ हो और आपका ब्लैक यहाँ हो, ग्रीन यहाँ हो और क्या, ब्लैक आपका यहाँ हो, यही हो सकता है, तो हमारे पास एक बुक कौन से कलर की बची, हमारे पास अगर हम कलर चेक करें तो हमारे पास बचा है कौन सा, ब्लू कलर बचा हुआ है, कौन सा कलर बचा हुआ है, ब्लू, तो ब्लू आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए अब उसने हमसे क्या बोला था कि ग्रीन कलर वाला जो कवर है वो ना ही टेंथ से बिलोंग करता है और ना ही बायो से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा, ग्रीन में बायो नहीं होगी तो यहाँ पर हिस्ट्री होगी, ठीक है, और यहाँ हिस्ट्री है तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी बायो होगी, और ग्रीन वाली आपकी टेंथ नहीं है इसलिए टेंथ यहाँ होगी और नाइन्थ यहाँ होगी, ठीक है, क्लियर हुई ना। तो इस तरह से हमारी क्या बनेगी, एक ये पजल बनेगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार को आपको आंसर दिखा देता हूँ जिससे कि आप एक बार चेक कर पाएँ। ओके सो ये इसकी फाइनल पजल बनेगी, आई होप आपको समझ में आएगी कि किस तरह से हमने इसे बनाया है, ठीक है। अब हम सेकंड पजल करते हैं। ओके सो सेकंड पजल क्या गिवन है, इसमें दिया हुआ है कि 10 फ्रेंड्स ट्रैवल इन अ मेट्रो, 10 फ्रेंड्स हैं वो एक मेट्रो में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ओके फाइव ऑफ देम, पांच उनमें से, ये नाम यहाँ दिए हुए हैं, अमित विपुल दीपू रवि एंड रोशन, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ओके इनमें से पांच ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि कहाँ फेस कर रहे हैं, वो
नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक। एंड द अदर फाइव फ्रेंड्स, उनके नाम याद दिए हुए शशि, पंकज, मोनू, राम एंड टिंकू, ओके। और जो बाकी के बचे हुए पांच फ्रेंड्स हैं जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, वो कहाँ फेस करे हुए हैं, वो साउथ में फेस किए हुए हैं। वो कहाँ फेस किए हुए हैं, वो साउथ में फेस किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ईच फ्रेंड इन रो इज फेसिंग एग्जैक्टली वन फ्रॉम दी अदर रो, ओके। और सब के सब एक दूसरे को क्या करे हुए हैं, फेस किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया उसने क्या बोला है कि आपके 10 फ्रेंड्स हैं, उसमें से पांच फ्रेंड्स कहाँ देख रहे हैं, वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी के बच्चे पांच कहाँ देख रहे हैं, वो साउथ देख रहे हैं, और ये सब एक दूसरे को फेस किए हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई ना। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कंडीशंस दी हैं, तो एक काम करते हैं हम, क्या कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और उसके बाद इस पज़ल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, क्या कम से कम दो पॉसिबिलिटी इनकी ले लेता हूँ। दो पॉसिबिलिटी अगर मैं लेकर काम करूँगा तो देखिए, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ऑलराइट। और एक और बनाता हूँ, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ओके। अब कंडीशंस लिखते हैं ना यहाँ पर। पहली कंडीशन उसने क्या दी है, वन ऑफ देम लाइक्स ग्रेप्स, उनमें से एक क्या पसंद करता है, ग्रेप्स पसंद करता है, ओके। शशि सिट्स ऑपोजिट द फ्रेंड हु लाइक्स बनाना, शशि कहाँ बैठता है, शशि बैठता है ऑपोजिट किसके, उस फ्रेंड के जो क्या पसंद करता है, बनाना पसंद करता है। तो इसको मैं अगर यहाँ बनाना चाहूँ, शशि अगर हम देखें तो शशि कहाँ बैठा था, वो उस रो में बैठा है जो कि कहाँ है, साउथ फेस कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली रो में होगा। तो मैं बनाता हूँ, देखिए शशि यहाँ पर, ठीक है, और वो किसको फेस करा हुआ है, जो बनाना पसंद करता है, ठीक है। उसके बाद एंड सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ओके। और ये क्या एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, या तो ये यहाँ पर हो सकता है शशि, ठीक है, और इसके सामने क्या बनाना, या फिर शशि यहाँ हो सकता है और इसके सामने बनाना, यही दो पॉसिबिलिटीज है ना हमारे पास। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, द फ्रेंड हु लाइक्स कीवी हु इज नॉट मोनू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ शशि। अच्छा, अब उसने क्या बोला है कि वो फ्रेंड जिसको कीवी पसंद है लेकिन वो मोनू नहीं है, वो सेकेंड टू द राइट ऑफ किसके है, शशि के हैं। इसका मतलब क्या है कि शशि के राइट में कोई है। तो देखिए, ये सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ फेस करे हुए हैं ना, ये सब कहाँ देख रहे हैं, ये सब साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं और ये नॉर्थ की तरफ। तो इसका मतलब होगा, अगर मैं इस केस में बात करूं तो इस केस में इसका राइट में कोई हो पाएगा क्या, बताइए। इस केस में इसका राइट तो इस साइड होता ना, तो इस तरफ तो कोई हो नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत है, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, गलत है। हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी सही है, इसमें ये क्या देख रहे हैं, ये सब साउथ की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो इसके अगर मैं सेकेंड राइट पर जाऊँगा तो आऊँगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर है वो फ्रेंड जिसको कीवी पसंद है, वो फ्रेंड जिसको क्या कीवी पसंद है, ठीक है। लेकिन ये कौन है, मोनू नहीं है, कीवी वाले को ये कौन है, ये मोनू नहीं है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ओके। उसके बाद देखते हैं, टिंकू सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ मोनू एंड द फ्रेंड हु लाइक्स चेरी हु इज़ नॉट शशि, ओके। अब इसने क्या बोला कि टिंकू मोनू और उस फ्रेंड के बीच में है, एग्जैक्टली मिडिल में है, जिसको चेरी पसंद है, जिसको क्या चेरी पसंद है, लेकिन ये शशि नहीं है, लेकिन क्या ये शशि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना। अच्छा, उसके बाद विपुल हु डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम, विपुल जो कि एक्सट्रीम पर नहीं बैठा है, विपुल को अगर हम देखें तो विपुल कहाँ देख रहा है, वो हमारा नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। अच्छा, लाइक्स ऑरेंज, विपुल को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, एंड सिट्स ऑपोजिट टू द फ्रेंड हु लाइक्स एप्पल, ओके। इसने क्या बोला कि विपुल की अगर हम बात करें, विपुल कहाँ देख रहा है, वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है। विपुल उसको क्या पसंद है, उसे ऑरेंज पसंद है,
और वो किसको फेस किया हुआ है, वो उसको फेस किया हुआ है जिसको एप्पल पसंद है, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। ये क्या है, एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, इसका मतलब इसकी तीन प्लेसेस हो सकती हैं, या तो ये या फिर ये या फिर ये, लेकिन ये वाली प्लेस नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके सामने क्या है, कीवी है, जबकि इसके सामने क्या होना चाहिए था, एप्पल होना चाहिए था इसके हिसाब से, है ना। तो एक प्लेस तो आपके पास ये है, मीन्स अगर मैं यहाँ पर विपुल को बनाऊँ, विपुल यहाँ जिसको ऑरेंज पसंद है, इसके सामने कौन, जिसको एप्पल पसंद है, ठीक है। या फिर यहाँ, तो इसके लिए मैं एक और पॉसिबिलिटी बना देता हूँ, ओके। या फिर क्या हो सकता था, विपुल हो सकता था यहाँ पर, ठीक है, और इसको ऑरेंज पसंद है, उसके सामने वाले को एप्पल, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना। अच्छा, उसके बाद द वन हु लाइक्स पाइन एप्पल सिट्स ऑपोजिट टू द फ्रेंड हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विपुल। अच्छा, अब उसने क्या बोला कि वो फ्रेंड जिसको पाइन एप्पल पसंद है, वो फ्रेंड जिसको पाइन एप्पल पसंद है, वो किसके ऑपोजिट है, वो उसके ऑपोजिट है जो विपुल के एकदम लेफ्ट में है, विपुल के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो अगर हम बात करें, देखिए इस केस में अगर हम बात करें, तो इस केस में विपुल का लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है ना। और इसके लेफ्ट में मीन्स इसके ऑपोजिट साइड कौन है, जिसको पाइनएप्पल पसंद है, जिसको क्या पसंद है, पाइनएप्पल पसंद है, ठीक है। इसमें तो यहाँ हो गया। अगर मैं इस केस की बात करूँ, तो इस केस में देखिए विपुल ये है, इसके लेफ्ट में कौन है, ये है, इसके सामने क्या पाइनएप्पल वाला है, बताइए इसके सामने क्या पाइनएप्पल वाला हो भी सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब क्या है, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत है, ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, गलत है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद द फ्रेंड हु लाइक्स अ स्ट्रॉबेरी, ओके, वो फ्रेंड जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद है, जो कि दीपू नहीं है, हु इज़ नॉट दीपू, सिट्स ऑपोजिट टू राम। अच्छा, उसने क्या बोला कि वो फ्रेंड जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद है, वो फ्रेंड क्या जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद है, वो ऑपोजिट किसके हैं, वो ऑपोजिट उस फ्रेंड के हैं जो कि एक तो दीपू नहीं है और कौन है, राम है। राम को अगर हम देखें तो ये कहाँ फेस करा हुआ है, ये साउथ फेस करा हुआ है, कहाँ फेस करा हुआ है, ये साउथ। तो इसको अगर मैं इस तरह से ना बनाकर यहाँ स्ट्रॉ करूँ और इसके सामने क्या करूँ, राम करूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, ये स्ट्रॉबेरी हो गया और इसके सामने कौन हो गया, राम हो गया, और ये कौन है, ये दीपू नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पंकज डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम बट सिट्स ऑपोजिट टू द फ्रेंड हु लाइक्स गुआवा हु इज एडजेसेंट टू अमित एंड द फ्रेंड हु लाइक्स मैंगो, ओके। तो अब उसने क्या बोला कि पंकज जो कि एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, पंकज जो कि एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, ओके, एंड पर नहीं है, वो किसके ऑपोजिट बैठा है, वो बैठा है उसके ऑपोजिट जिसको गुआवा पसंद है, जिसको क्या गुआवा पसंद है, और वो किस किस के एडजेसेंट है, वो अमित और उस फ्रेंड के एडजेसेंट है जिसको मैंगो पसंद है, जिसको क्या पसंद है, अगर मैं यहाँ बना सकूँ, इसको मैंगो पसंद है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई ना, थोड़ा सा यहाँ पर जगह की कमी है, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिए, ओके। सो अगर हम देखें तो देखिए ये तीनों एक साथ आएंगे, ये चीज़ हमें कंफर्म है, ठीक है, ये तीनों क्या है, एक साथ आएंगे, मीन्स मैंगो, गुआवा और अमित, ये तीनों क्या है, एक साथ आएंगे, ठीक है। और ये सब कहाँ फेस कर रहे हैं, ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो बताइए ये कहाँ पर आ सकते हैं, अगर मैं इस कंडीशन में बात करूँ तो बताइए ये कहाँ पर आ सकते हैं, ये सिर्फ एक ही प्लेस पर आ सकते हैं, कहाँ पर, अगर मैं बात करूँ किसकी, गुआवा की, गुआवा की अगर मैं बात करूँ तो गुआवा देखिए यहाँ पर आ सकता है क्या, गुआवा नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसके बगल वाले में विपुल भी है और वो पसंद क्या करता है, ऑरेंज पसंद करता है, मीन्स इसमें दोनों प्लेसेस क्या है हमारी, भरी हुई हैं, ठीक है। तो गुआवा आपका यहाँ तो आ नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं गुआवा को रख सकता हूँ क्या, नहीं, यहाँ पर भी नहीं रख सकता हूँ क्योंकि इसके बगल में कोई नहीं है, ओके। अगर मैं इस प्लेस की बात करूँ तो इस प्लेस पे मैं क्या गुआवा को रख सकता हूँ, यही प्लेस हमारे पास बची ना, हाँ, गुआवा को मैं इसी में रख सकता हूँ, गुआवा हमारा यहाँ हुआ, ठीक है। इसके बगल में अमित कहाँ आ सकता है, अमित यहाँ भी आ सकता है, अमित यहाँ भी आ सकता है, लेकिन आपका मैंगो सिर्फ यहीं पर आ सकता है,
अगर मैं मैंगो की बात करूँ वो सिर्फ यहीं पर आ सकता है, इस साइड नहीं आ सकता। तो इस साइड कौन होगा? हमारा अमित होगा। इस तरफ कौन होगा? हमारा अमित होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई ना? अच्छा, अब आप इसको देख लीजिए एक बार। अगर मैं इसको देखूँ तो एक चीज़ पता चलेगी क्या, कि राम के ऑपोजिट साइड कौन है? स्ट्रॉबेरी है, और वो दीपू नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो प्लेस यही बची है हमारे पास, राम और स्ट्रॉबेरी को पुट करने के लिए, यही प्लेस बची है ना हमारे पास। अच्छा, ये कौन है? ये दीपू नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, सो अगर हम और देखें एंड में, एंड में क्या था? रवि नीदर लाइक्स गुआवा नॉर लाइक्स स्ट्रॉबेरी। जो रवि है उसको ना ही गुआवा पसंद है और ना ही स्ट्रॉबेरी पसंद है। ठीक है, रवि को ना ही गुआवा पसंद है और ना ही स्ट्रॉबेरी पसंद है। ओके, तो अगर हम देखें, देखिए उसको ना ही ये पसंद है और ना ही ये पसंद है, इसका मतलब उसे पसंद क्या होगी? और हमारा अगर हम देखें रवि, तो रवि कहाँ देख रहा है? वो देख रहा है नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब रवि कहाँ होगा? रवि होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, रवि कहाँ होगा? रवि होगा हमारे यहाँ पर। और उसने क्या बोला था? उसने बोला था स्ट्रॉबेरी वाला दीपू नहीं है, स्ट्रॉबेरी वाला दीपू नहीं है, इसका मतलब दीपू कहाँ होगा? दीपू होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक हमारा कौन सा बचा जो कि नॉर्थ देख रहा है? हम बात करें तो बचा कौन सा? रोशन बचा हमारा। कौन बचा हमारा? रोशन। तो रोशन होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना? अच्छा, अब अगर हम देखें इस कंडीशन को, मीन्स ये वाली कंडीशन, तो उसने क्या बोला था? टिंकू, मोनू और वो फ्रेंड जिसको चेरी पसंद है उसके एकदम बीच में है। ठीक है, और चेरी वाला शशि नहीं है। तो बताइए चेरी को हम कहाँ पुट कर सकते हैं? चेरी को हम यहाँ पर ही पुट कर सकते हैं ना, चेरी होगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर मोनू कहाँ होगा? मोनू होगा यहाँ पर। और टिंकू कहाँ होगा? टिंकू होगा यहाँ पर। अब बताइए एक हमारा कौन बचा? अगर हम देखें तो हमारा पंकज बचा। कौन बचा? हमारा पंकज बचा। ठीक है, ओके। और पंकज को वैसे भी यहाँ आना ही था, हमने यहाँ पर इसको मिस कर दिया ना। पंकज को वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पर आना ही था। तो ये क्या होगा? हमारा पंकज होगा। अब हमारा कोई एक फ्रूट रह गया है, तो अगर हम देखें कौन सा रह गया है? ग्रेप्स रह गया। कौन सा रह गया? हमारा ग्रेप्स रह गया। तो ग्रेप्स क्या होगा? ग्रेप्स होगा ये। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनेगी? फाइनल पजल बनेगी। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रॉपरली बना देता हूँ, जिससे कि आप एक बार इसके आंसर को चेक कर पाएँ। ओके, सो ये फाइनल इसकी पजल बनेगी। आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया वो चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से आपको पजल को सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।